Yeah. I'm far better than me. यार अच्छा खेलते हो आप यार, हम लोग तो बचपन से मेट में आओ, मेट में उनको कह रहे हैं शुरू हो गया। क्यों क्या साइंस में मत जाना भाई। ये अब किधर गया साइंस, गेम खेल ली है, फाइव फाइव है, ठीक है ओके। वन जीरो हो गया, चल बच्चे आ जा, तुम लोग क्या समझते हैं। वन वन चलो हम लोग भाई वो भी दे, टू 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 गया नहीं, टू वन टू वन आपके टू मेरे टू आपके वन, ये थ्री वन गिर गया, थ्री वन ये फोर वन हाँ सो गया, ये ले देख रहा है बस ले, थक्यो तो बस। ताहिर भाई हमारे भी माशाल्लाह आप पिंडी शहर में आए, क्वेटा से हमारी जमात आई है माशाल्लाह, आर्टिस्ट में माशाल्लाह क्वेटा के दो साथी कराची के, और माशाल्लाह इसमें डॉक्टर्स हजरात भी हैं, ताजिर हजरात भी हैं, और जॉब्स वाले बंदे भी हैं। तो बस देखिए हर चीज़ का ना जगह जाने का एक मकसद होता है, किसी शहर जाना है या एक घर से गली तक भी जाने का एक मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई भी नहीं चलता, कोई नहीं है। और मकसद ये है कि मेरी और आपकी बल्कि तमाम इंसानों की पूरी कामयाबी को अल्लाह पाक ने दीन में रखा है, दीन आएगा दीन जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सबका ईमान यकीन है कि पालने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, इज़्ज़त ज़िल्लत खुशी गमी नफ़ा नुकसान ये सब चीज़ें अल्लाह पाक के हाथ में, जब हम अल्लाह पाक के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर करेंगे तो अल्लाह पाक खुश होकर हमारी ये दुनिया भी बना देंगे और हमारी आखिरत भी बना देंगे। अब मुसलमान का आने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि एक डॉक्टर बन गया या नौकरी कर गया, ये एक ज़रूरत है, आरजी आरजी। मकसद क्या है, मकसद है अल्लाह पाक के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर करना, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, जैसे हर काम बगैर मेहनत के नहीं होता, इस तरह दीन का काम भी बगैर मेहनत का नहीं सीखा जाता। इसके देखें इसकी जब सीखने के देखें, जैसे आप इसकी डॉक्टरी के लिए सीखते जाते हैं कि इंस्टीट्यूट होता है तो इसकी भी मजालिस होती है, इसके लिए बैठना पड़ता है, इसमें भी देखिए अल्लाह और नबी के जहाँ पर नाम आता है हर महफिल अपना एक असर छोड़ती है। तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम अपनी इसलाह और आप लोग की इतला के लिए आए हैं कि भाई देखें कैसे मसाजिद में मोहल्ले में जितने नमाजी हैं 100% नमाजी हो जाए, 5 वक्त माल वाली मसाजिद बन जाए, तो हम सबका यही मकसद है कि देखिए हमने खुद भी ये सीखना है और दूसरों तक भी पहुँचाना है, ये हमारा हक है, होते ना ये हमारा हक है। अच्छा लाना साहब थोड़ी सी कोई कर गुजारी हमें सुनाएं, आपने कौन से कोई कंट्री विजिट किया हो हमारी अभी या अंदरून मुल्क की? आप असल में मेरे भाई मेरे असल में कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी माशाल्लाह हमारे अमीर साहब हैं ना जिन्होंने बैरून के बहुत सफ़र किए, ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है हमारा। अच्छा। हमारा कपड़े का कारोबार है। अच्छा अच्छा हम देखें इसी माहौल से निकल के गए हैं, ऐसे ही देखिए हमने देखें अब इस माहौल में निकल के हमें पता लगता है कि हमारे दीन के अंदर कितनी कमी है, क्या करने आए थे और क्या करके चल रहे जा रहे। अब देखिए इन नमाजों में हमारी कमी है, जिक्र अस्कार में हमारी कमी है, देखिए ज़िंदगी हमने गुजारनी कैसी है। अब देखिए इंसान जब बोलते हैं मरेगा ना
तो कबर के कबर में उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया जाएगा, चेहरा दिखाया जाएगा। बोलता है कि आप इनको पहचानते हो, जब आपने नबी करीम अल्लाह पाक के अहकाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर किया होगा। देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे एक यहूदी ने पूछा कि भाई आप लोग क्या आप लोग किस टाइम कितनी इबादत कितना टाइम इबादत करते हैं? तो उन्होंने बोला हम 24 घंटे इबादत करते हैं। तो वो यहूदी परेशान हो गया कि बोलते हैं आप लोग तो खाते भी हो सोते भी हो उठते भी हो, उसने एक जनरली सा सवाल किया ना आप तो ये तो सब मामलात करते। बोलते जी हम ये सब मामलात करते हैं मगर हम तरीके करते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे तरीके ज़िंदगी में आ जाए तो हमारा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुलखला से बैतुलमुक़दस तक हर चीज़ के तरीके बताए कि आपने बैतुलखला में किस तरह जाना है, मस्जिद में किस तरह जाना है। आपने भाई से एक भाई का बोलते ना पांच हकूक है, पांच हकूक आपको पता क्या है मुसलमान कि जब वो आपको सलाम करे तो आप उसका जवाब दो, जब आपको छींक आए तो दूसरा बंदा यह हमकुल्ला कहे, तीसरा अगर कोई दावत दे तो उसकी दावत कबूल करो, और अगर चौथा कोई बीमार हो तो उसकी अयादत करने जाए आपका साथी, और अगर अगर आपका जो अगर कोई फौत हो गया तो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करो। ये पांच हकूक है एक मुसलमान के ऊपर। अच्छा इस्लाम जो है ना पूरा एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है, दुनिया के बाकी आप मज़ाहब देख लें, क्रिश्चियनिटी है बिल्कुल, आप देख लें बुद्धिस्ट है, आप देख लें एथियस्ट है जो किसी भी गॉड को नहीं मानते, ठीक है। अब उन्होंने भी तो कुछ रिसर्च की होगी ना, उन्होंने भी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जो चीज़ें हमारा मज़हब सिखाता है, हमारे अल्लाह ने हमें बता दिया, हमारे पैगंबर के थ्रू हमें जो बातें बता दी, वो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बचता। इतनी है, इतनी समंदर है, आप सीखते जाएं और आप खुद सोचें हर चीज़ का फ़ायदा, हर चीज़ का फ़ायदा। सल्लम ने आखिरी खुतबा किया ना तो उन्होंने सहाबा कराम के सामने खड़े होकर फरमाया कि क्या मैंने तुम तक पूरा दीन पहुँचा दिया? तो सहाबा कराम ने कहा कि आपने दीन पहुँचाया नहीं बल्कि दीन पहुँचाने का हक अदा किया। तो फिर उन्होंने ऊपर हाथ उठा के बोला या अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह तू गवाह। अब देखिए सहाबा कराम के बाद ये काम हमारे हम सब के वजीले है। अब देखिए हम यहाँ पर अपने काम छोड़ के किस लिए आए, कैसे कैसे जो मतलब आप बोलते ना कि ये तबलीग का छठा असूल ये है कि खुद भी अच्छे काम करो दूसरों को भी अच्छे कामों की तरफ लाओ, खुद भी बुरे कामों से बचो और दूसरों को भी बुरे कामों से बचाओ। अगर आप एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो और आप बोलते हो कि यार मैं अपना 100% दीन करूँ, नहीं, आपका अगर दोस्त भाई अगर देख रहे हैं कि वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो आप उसकी तरफ भी थोड़ा सा मुतवज्जो हो कि यार ये खुदा ना खास्ता कहीं कल को अल्लाह पाक को नाराज़ करके मर गया तो यार कबर का अजाब तो ऐसा है, कबर अजाब वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। जब वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में फिर जाएगा तो 50-60 साल की ज़िंदगी तो बोलते हैं कि ऐसा है कि उसका कोई कुछ सेकंड या कुछ सेकंड का हिसाब भी नहीं, आखिर कितनी बड़ी वो है।